न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अग्रसर नजर आती है और इससे का नतीजा है कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आए दिन छात्र छात्राओं के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की जाती है, उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाते हैं ताकि बिहार के जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके, वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, पलायन करने की स्थिति उन पर ना आए। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की है और इस बड़ी अपडेट के तहत उन्होंने बताया है कि विदेश जाकर पढ़ने वाले बिहार के बच्चों के लिए अब बिहार सरकार 4 लाख रुपए तक का लोन देगी। आपको बताएं कि बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन की योजना चलाई जाती है जिसके तहत लोन लेकर बच्चे अच्छे संस्थान में पढ़ाई करते हैं और नौकरी लग जाने के बाद वो पैसा बिहार सरकार को किश्तों में लौटाया जाता है। बिहार सरकार ने उन बच्चों के लिए अब विकल्प खोल दिया है जिन बच्चों को विदेश में जाकर पढ़ना है, विदेश में अपना भविष्य बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार उन्हें 4 लाख रुपए तक की मदद करेगी। क्या कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे अगर आपको विदेश में पढ़ाई करनी है, तो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी बिहार के छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थाओं में पढ़ाई करने वाले राज्य के विद्यार्थियों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए की सीमा को शिथिल करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम के अनुसार लोन कैंपिंग की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त सामान्य पाठ्यक्रमों के बजाय व्यवसायिक एवं रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों को ऋण स्वीकृत एवं वितरित करने में प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है। इसके लिए पाठ्यक्रमों के मास्टर सूची में नए पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया और वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का आदेश वित्त विभाग को दिया है। वर्तमान में 3 विभागों के बीच पूरी प्रक्रिया बचे होने के कारण समन्वय की समस्या है। मुख्यमंत्री ने इसे दूर करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। आपको बताते चले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर विभागीय स्वीकृति भी ली जाएगी। चालू वित्त वर्ष में 1 लाख आवेदकों को ऋण वितरण होगा। इसके विरुद्ध सितंबर तक 41% प्राप्त आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है और 628 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण वितरित की जा चुकी है। वैसे 2 अक्टूबर साल 2016 से लागू इस योजना के तहत अभी तक कुल 1,93,442 आवेदकों को लाभ दिया जा चुका है। इस पर 3,110 करोड़ 45 लाख रुपए ऋण वितरण किया जा चुका है। गौरतलब है कि 2 लाख रुपए तक ऋण को अधिकतम 60 मासिक किश्त में तथा 2 लाख से ऊपर पर अधिकतम 84 मासिक किश्त में चुकाने का प्रावधान है। तय समय से पहले ऋण चुकाने पर 0.25% ब्याज दर में छूट मिलती है। नियोजन नहीं होना या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। लाभ देने का पूरा प्रावधान है। योजना का लाभ उसे छात्र छात्रा को मिलेगा जो बिहार का निवासी हो, राज्य के शिक्षण संस्थान और सीमावर्ती राज्यों के संस्थानों से 12वीं पास किया हुआ हो, आवेदक की अधिकतम उम्र 25 साल हो लेकिन ग्रेजुएशन के लिए 30 साल से ज्यादा नहीं हो, बिहार या राज्य अथवा केंद्र सरकार से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित हो या नामांकन के लिए चयनित हो। सामान्य छात्र छात्रा के लिए ऋण पर सालाना 4% ब्याज दर फिक्स किया गया है। दिव्यांग बालिका एवं ट्रांसजेंडर के लिए ऋण पर ब्याज दर 1% है। बिहार के छात्र छात्रा अपना भविष्य उज्जवल कर सके, पढ़ाई में अव्वल रह सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसका खास ध्यान बिहार सरकार रखती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की तरफ से साल 2016 से ही लागू की गई है और अब उसमें एक बड़ा फेर बदल कर एक नया फैसला लिया गया है और उस फैसले के तहत अब जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बिहार सरकार 4 लाख रुपए तक का लोन भी मुहैया कराएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अलग अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।